हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप जो स्टेटस होते हैं उसको फेसबुक स्टोरीज की तरह कैसे दिखा सकते हैं, कैसे रख सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप पे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखना है तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगा। पहले आपको इस लिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है FM WhatsApp। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड वहीं से कर देना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना, फिर WhatsApp पूरा सेटअप कर देना, लॉगिन कर देना, OTP देना, पूरा सेटअप करके आ जाना है आपको WhatsApp के होम स्क्रीन पर, यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टेटस नॉर्मली होते हैं स्टेटस की जगह वही पर है। अभी आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे करना है। अभी वो आप लोगों को ऊपर जाना है, यहाँ पर 3 डॉट्स पे उस पर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऐसा इंटरफेस खुल जाने के बाद आपको ऊपर पहले ही ऑप्शन पर क्लिक कर देना है FM मॉड्स पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपको चौथे ऑप्शन पे फिर क्लिक कर देना है, होम स्क्रीन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको पहले ही ऑप्शन हेडर पे फिर से क्लिक कर देना है। जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन आएगा इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज, इसको इनेबल कर देना है आप लोगों को। जैसे आप इनेबल कर देंगे तो उसके बाद आपको ये स्टोरी स्टाइल दूसरा ऑप्शन जो आता है इसमें RC फेसबुक रख देना है। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें RC फेसबुक रख देना है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें चेंजेस आ गए हैं कि नहीं। चलो चलते हैं होम स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारा काम हो चुका है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं पूरे। यहाँ पर फेसबुक की तरह जैसे स्टोरीज होती हैं फेसबुक पे, वैसे ही यहाँ पर दिखा रहा है। अभी देखो पूरा लुक ही चेंज हो गया है इस व्हाट्सएप का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।